मोदी यूपी आ रहे हैं। योगी मोदी के स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं और विरोधियों के कैंप में खलबली मची है। यूपी और बिहार में मोदी विरोधी टेंशन में है क्योंकि मोदी और योगी का नाम यूपी के लिए सबसे बड़ा है। मोदी और योगी की जोड़ी 2024 की सबसे सुपरहिट जोड़ी है और जब ये दोनों एक साथ एक मंच पर दिखेंगे तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ यूपी पर ही नहीं होगा, इसका इम्पैक्ट यूपी के साथ साथ बिहार में भी पड़ेगा और मैसेज पूरे देश को जाएगा। बीजेपी 2023 के सेमीफाइनल और 2024 के फाइनल फाइट की तैयारियों में जुटी है और अब मोदी अगले दो दिन खुद मैदान में नजर आएंगे। 7 और 8 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर मोदी बैक टू बैक कई पॉलिटिकल प्रोग्राम करेंगे। 36 घंटे में मोदी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान का दौरा करेंगे। 36 घंटे में 4 राज्य के 5 शहरों में करीब दर्जन भर कार्यक्रमों में शरीक होंगे और विधानसभा और लोकसभा का सारा समीकरण सेट करेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी 3 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। देश की सियासत की सबसे पुरानी कहावत है, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। मोदी भी इस बात को मानते हैं, इसीलिए मोदी ने 2014 में काशी से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। 2019 में भी मोदी वाराणसी सीट से चुनावी मैदान में और अब 2024 की पॉलिटिकल रैली की शुरुआत भी मोदी यहीं से करेंगे। यूपी की सियासी बिसात पर बीजेपी ने इस बार मिशन 80 का लक्ष्य रखा है और शायद यही कारण है कि इसे पूरा करने के लिए पार्टी अभी से अपनी तैयारियों में जुट गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी कमान संभाल ली है, वो अपने 2 दिवसीय दौरे पर यूपी पहुंच रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री पूर्वांचल के 2 सबसे बड़े जो शहर हैं उसकी सियासी नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे। 7 जुलाई की सुबह सबसे पहले वो गोरखपुर के गीता प्रेस स्थित शताब्दी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसके बाद शाम को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की जनता से रूबरू होंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी के उत्तर प्रदेश दौरे की शुरुआत होगी गोरखपुर से। गोरखपुर यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का इलाका है, यहाँ मोदी और योगी की जोड़ी एक साथ दिखेगी। मोदी और योगी का जलवा पूरा यूपी देखेगा, डबल इंजन सरकार की जुगलबंदी का दम पूरे देश को दिखाया जाएगा। अब हम इस वक्त पहुंच चुके हैं गीता प्रेस रोड। जी हाँ, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर गीता प्रेस है, लेकिन उससे पहले यहाँ की तस्वीर थोड़ा हम आपको दिखाते हुए चलते हैं। देखिए, एक बार फिर से हम आपको दिखाएं कि ये यहाँ पर पोस्टर बैनर लगाया गया है और इस पर गीता प्रेस प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए समापन समारोह में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। और पूरे सड़क को अगर देखें यहाँ की तो आपको एकदम चमचमाती हुई सड़क नजर आ रही है, दोनों तरफ दुकानें हैं और ये देखिए एक स्वागत द्वार बनाया गया है। यहाँ पर देखिए संकट मोचन कालीबाड़ी मंदिर बनाया गया है और यहाँ कालीबाड़ी मंदिर है, आप देख सकते हैं। ये रास्ते में आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर और क्या तैयारी है समापन समारोह में जो प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं उसके लिए। ये देखिए, आप देखेंगे कि इधर भी बैनर लटका हुआ है और प्रधानमंत्री के स्वागत करता हुआ ये बैनर, तमाम वो लोग यहाँ पर जो गणमान्य हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं। मोदी दोपहर करीब 1:30 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे, 2:30 बजे मोदी गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान मोदी लीला चित्र मंदिर का दर्शन करेंगे, गीता प्रेस के ट्रस्टियों के साथ बैठक करेंगे, पीएम मोदी पेपर आर्ट पर पहली बार प्रकाशित चित्रमय शिव पुराण का विमोचन भी कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के बाद देश की सबसे सुपरहिट पॉलिटिकल जोड़ी गोरखपुर को 2 बड़े गिफ्ट देगी। गोरखपुर टू लखनऊ के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। पीएम गोरखपुर रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करेंगे। गोरखपुर स्टेशन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में करीब 498 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। गोरखपुर स्टेशन को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दी जाएगी, नेक्स्ट 50 इयर्स को फोकस पर रखकर निर्माण किया जाएगा और जब ये स्टेशन बनकर कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसी ही तस्वीर नजर आएगी। करीब 2.5 घंटे तक गोरखपुर में मोदी और योगी की जुगलबंदी को देश देखेगा। इसके बाद मोदी वाराणसी के लिए रवाना होंगे, सीएम योगी भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ जाएंगे। वाराणसी मोदी का संसदीय क्षेत्र है, मोदी और काशी का कनेक्शन स्पेशल है। मोदी भी इस बात को मानते हैं, काशी की जनता भी ये बात जानती है। मोदी बाबतपुर एयरपोर्ट से सीधे वाजिदपुर पहुंचेंगे, यहां मोदी यूपी के लाभार्थियों से सरकारी योजनाओं का फीडबैक लेंगे। लाभार्थी बीजेपी का बड़ा वोट बैंक है, 2024 में मोदी के क्लीन स्वीप के टारगेट में लाभार्थी बड़ी भूमिका निभाएंगे। इस वक्त हम वाजिदपुर मैदान में खड़े हैं और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बनारस की जनता है उस
से रूबरू होंगे, उसके साथ संवाद करेंगे। लगभग 50,000 लोगों की पहुंचने की उम्मीद कही जा रही है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जो 9 साल के दौरान जो उन्होंने विकास के कार्य कराए हैं उसका जो लेखा जोखा है वो अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के सामने पेश करेंगे। खासतौर से जो बनारस को लेकर उन्होंने विकास कार्य किए हैं उसका जो एक एक लेखा जोखा है वो लोगों के सामने पेश करेंगे ताकि साल 2024 के लिए वो बेहतर तरीके से चुनावी मैदान में जा सके। इसके बाद प्रधानमंत्री काशी क्षेत्र के जो पदाधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ भी रूबरू होंगे और साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए वो जीत का मंत्र देंगे। तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और कहा यह जा रहा है कि साल 2024 के लिए एक तरीके से प्रधानमंत्री ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की रैली तो काशी में होगी, मोदी कल मंच पर आएंगे तो टारगेट पर विपक्ष होगा। मोदी जो भी बोलेंगे उसे पूरा देश सुनेगा, विरोधी गौर से सुनेंगे क्योंकि विरोधी भी जानते हैं कि मोदी और योगी एक साथ एक मंच पर आना कितनी बड़ी बात है। तभी तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2024 में बड़ी जीत और यूपी में क्लीन स्वीप का दावा किया है। भरोसा दिला रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80, देश में 350 से अधिक सीटें जीतेंगे सरकार। रैली के बाद आयुष्मान भारत, पीएम आवास ग्रामीण और पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को चेक व प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। इसके बाद मोदी सड़क के रास्ते बरेखा गेस्ट हाउस जाएंगे जहां वो बीजेपी नेताओं के साथ टिफिन बैठक करेंगे। काशी की जमीन से पूर्वांचल को 12,000 करोड़ के लागत वाली 29 परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। तैयारियां भी अब पूरी कर ली गई हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि काशी क्षेत्र की जो 14 लोकसभा सीटें हैं वो सभी की सभी सीटें एक बार फिर से बीजेपी की झोली में जाए, लिहाजा तैयारियों में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए, इसके लिए खुद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से बागडोर संभाल ली है और वो न सिर्फ बनारस की जनता से रूबरू होंगे बल्कि जो काशी क्षेत्र के जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सबसे एक तरीके से वार्ता करेंगे, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे, उनके मन की बात को जानने की कोशिश करेंगे। और यही नहीं, इसके अलावा जो बनारस के प्रबुद्ध वर्ग से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे भी एक वार्ता करने की बात कही जा रही है कि जब बरेखा गेस्ट हाउस में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो इस दौरान जो काशी के प्रबुद्ध जन से जो लोग हैं, प्रबुद्ध जन हैं, उनसे भी मुलाकात होगी। तो निश्चित तौर पे ये जो दौरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है साल 2024 के लिहाज से। कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल के इस दौरे के साथ ही एक तरीके से चुनाव का बिगुल भी फूंकने जा रहे हैं। काशी में मोदी और योगी के दौरे को लेकर बीजेपी का जोश हाई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि विरोधी अभी बैठक ही कर रहे हैं लेकिन बीजेपी ने बूथ लेवल की तैयारी कर ली है। काशी क्षेत्र के लिहाज से या फिर पूरे उत्तर प्रदेश के लिहाज से 2024 का ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 14 लोकसभा सीटें थी, पिछली बार की परफॉर्मेंस के मुकाबले इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? पिछली बार से भी बेटर संभावना है क्योंकि हम लगातार जो है पब्लिक के बीच में रहते हैं, हमारी तैयारी बूथ स्तर तक की हो गई है, जहां कि अभी दूसरे दलों को पता नहीं क्या हो रहा है लेकिन हमारे यहां बूथ स्तर तक हम तैयारी कर चुके हैं, हमारे पन्ना प्रमुख बन रहे हैं। मोदी योगी यूपी में कल एक साथ नजर आएंगे, 20 घंटे तक ये जोड़ी एक साथ अलग अलग मंचों पर अलग अलग कार्यक्रमों में नजर आएगी और यूपी में जो कुछ भी होगा उसका इम्पैक्ट बॉर्डर पार भी जाएगा। मोदी योगी का मैसेज पूरे यूपी के साथ बिहार में भी जाएगा क्योंकि यूपी के पूर्वांचल से बिहार के कई जिलों की सीमा लगती है।